नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से आज एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल सी एस टेक्निकल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता होगा कि अभी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में 450 केंद्रीय विद्यालय स्कूल में बाल वाटिका 3 के तहत एडमिशन चल रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने बच्चे के एडमिशन के लिए RTE कोटे से अप्लाई करने वाले, यानी राइट टू एजुकेशन कोटा से अप्लाई करने वाले। तो राइट टू एजुकेशन कोटा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आपका जो घर है स्कूल से 5 किलोमीटर या उससे कम के दायरे में होना चाहिए, तभी आपका जो बच्चा है RTE कोटे के लिए एलिजिबल होता है। इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल अर्बन एरिया में है उसके लिए 5 किलोमीटर एरिया का मतलब डिस्टेंस का क्राइटेरिया रखा गया है, और जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल रूरल एरिया में है उसके लिए घर से स्कूल तक की दूरी का जो है 8 किलोमीटर डिस्टेंस का क्राइटेरिया रखा गया है। तो आज के स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने डिस्टेंस को नापना है, कि क्या आपका घर 8 किलोमीटर या 5 किलोमीटर घर के एरिया में आता है कि नहीं आता है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कि अप्ने बच्चे के एडमिशन के लिए RTE कोटे से अप्लाई कर दिया और कुछ मीटर्स एक्स्ट्रा होने के कारण उनके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया था। तो इसलिए आज की स्टूडियो में मैं आपको पहले से समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से आपने चेक करना है कि आपका जो घर है स्कूल से मतलब डिस्टेंस आपका बिल्कुल सही है कि नहीं है RTE कोटे के लिए। तो जिन्होंने CS टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस कारण कि आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी मेरे चैनल के माध्यम से। और साथ ही साथ जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं या फॉर्म चेक करवाने वाले हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप चाहें तो उस पर कॉन्टैक्ट करके आप अपने बच्चे का फॉर्म चेक करवा सकते हैं या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या अमेंडमेंट करवा सकते हैं। हो सकता है आपसे कुछ चार्जेस अप्लाई करें, लेकिन आप चाहें तो उनसे कॉन्टैक्ट करके करवा सकते हैं। ये सब सिर्फ मैं आपके हेल्प के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप चाहें तो मेरी वीडियोज़ देख करके भी आप अपने फॉर्म को खुद घर बैठे बैठे चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और आपको एक एक चीज़ आसानी से समझाता हूँ किस तरह से आपने डिस्टेंस को चेक करना है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आज की डेट में सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं लगभग, तो आपने क्या करना है कि प्ले स्टोर से मैप्स का जो एक एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेना है, या ऑलरेडी सभी फ़ोन्स में जो आज की डेट में इनबिल्ट आता है तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इस ये वाला जो होगा आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ नहीं करना है। देखिए, अगर आप अपने घर पर हैं तो इस कंडीशन में कैसे करना और बाहर है तो कैसे करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो एरो दिख रहा होगा ना आपको यहाँ पर, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है चूज़ योर स्टार्टिंग मतलब लोकेशन, जहाँ से आप ट्रैक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने ऊपर वाले में, अगर आप घर पे हैं तो योर लोकेशन कर देना है, और यदि आप घर से कहीं दूर हैं और अपने घर से लेकर वहाँ तक का आप चेक करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपने टाइप करके चेक करना है। जैसे मान लीजिए मेरा, मैं अभी फ़िलहाल देहरादून में हूँ और मुझे रुड़की के KV का चेक करना है, तो इस कंडीशन में क्या करूँगा, मैं अपने घर के लोकेशन का डालूँगा। जैसे कि मैं जादूगर रोड पे रहता हूँ यहाँ रुड़की में, तो मैंने यहाँ पे जादूगर रोड लिख दिया, जादूगर रोड सिविल लाइन लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि चूज़ डेस्टिनेशन, मतलब कि कहाँ का आपको पता करना है, तो वहाँ पर आपने लिख देना है केंद्रीय विद्यालय स्कूल का नाम जहाँ पे आप चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने इस हिसाब से मैंने लिख दिया केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की, ठीक है, ये लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर ये किलोमीटर खुल के आ गया कि 3.4 किलोमीटर फ्रॉम मेरे घर से और यहाँ तक का, जादूगर रोड से लेके यहाँ तक का, ठीक है। इसमें भी थोड़ा बहुत वेरी आ जाता है, बिकॉज़ ये करंट लोकेशन से मैंने नहीं किया है, सिर्फ मैंने उस रोड का नाम डाला है जहाँ पर मेरा घर है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ कि एग्जैक्ट लोकेशन आपके घर से स्कूल का कैसे होगा वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर करंट लोकेशन पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जो योर लोकेशन दिख रहा होगा ना, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने कुछ परमिशन मांगेगा, उसको येस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर स्कूल का नाम डालना है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी फ़िलहाल मैं देहरादून के KV का नाम डाल देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया KV ONGC, ये डाला मैंने। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से खुल के आ गया, पहले नंबर पे ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, मेरे करंट लोकेशन से ONGC जो स्कूल है केंद्रीय विद्यालय वो है 11 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं। जो भी पेरेंट्स RTE कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो ये गलत फहमी बिल्कुल भी आप ना रखें कि 5 किलोमीटर से 100 मीटर भी ज़्यादा है, 200 मीटर ज़्यादा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि स्कूल वाले जो है इसी तरह से आपका जो है घर से स्कूल तक का डिस्टेंस निकालेंगे और वो चेक कर लेंगे कि क्या आपका
स्कूल 5 किलोमीटर के दायरे में आता है या नहीं आता है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और RTE कोटे में एडमिशन के लिए अप्लाई करने से पहले आपने कुछ इस तरह से चेक करना है कि एग्जैक्ट कितना डिस्टेंस है आपका स्कूल से घर तक का। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की स्टूडियो में जितनी बातें मैंने आपको बताई है सब समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों, आखिरी में वीडियो के बस इतना ही कहना चाहूँगा, प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ और सभी पेरेंट्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि और सभी पेरेंट्स को भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर के सभी जानकारियाँ मिल सकें, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाने के इच्छुक हों, अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, उनको केंद्रीय विद्यालय स्कूल के द्वारा उनके बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक थैंक यू, बाय। जय हिंद, जय भारत।